परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट इज अ नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट, ठीक है। नेचुरली ऑकरिंग मतलब कि नेचर में पाया जाता है। सिंस इट इज नॉट स्ट्रांग एनफ, सिंस इट इज नॉट स्ट्रांग एनफ, तो परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग है, लेकिन ये उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, इट्स नॉट स्ट्रांग। सिंस इट इज नॉट स्ट्रांग एनफ एंड ऑफ रिक्वायर्ड शेप फॉर मेनी पर्पसेस, सो अ स्ट्रांग परमानेंट मैग्नेट इज मेड लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग स्टील इंस्टेड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो देखिए ध्यान से क्या होता है, अगर सॉफ्ट आयरन, ठीक है, आप देखे होंगे कि जो मैग्नेट मिलता है, खास करके जो नेचुरली ऑकरिंग होता है, और है ना, तो सॉफ्ट आयरन होता है। बहुत बार मैग्नेट जो है देखिए बहुत इजीली टूट भी जाता है मैग्नेट, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन और स्टील, ठीक है, तो बेसिकली देखिए क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको एक बार पिछले बार बताया था, ठीक है, कि मैग्नेट्स जो है क्रेन में यूज किया जाता है, किसमें, क्रेन्स, ठीक है। तो ये है मैग्नेट, ठीक है, बड़ा मैग्नेट है, और जो है इससे अटैच हो जाता है बहुत सारा, लाइक है ना, जो लोड है, ठीक है, ये हम लोग पिछले बार पढ़े थे, अभी देख लेते हैं फिर से। ये क्या है, ये क्रेन है, और इसमें क्या हुआ, जो है बहुत सारा लोड जो है इसमें अटैच्ड हो गया, ठीक है। अब इस क्रेन को हम मूव किए, और यहाँ पे जा करके हम क्या किए, इस क्रेन, ये क्रेन जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्या है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, सिंपल है। अब ये क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है यहाँ पे आ गया, ये क्लियर है क्या, और जब ये यहाँ पे आ गया उसके बाद फिर हम जब करंट स्विच ऑफ करेंगे तो ये नीचे गिरना चाहिए ना, जो जो लगा हुआ था, यस और नो, क्लियर है क्या, तभी तो ट्रांसपोर्ट हुआ, एक जगह से आप उठा लिया, दूसरे जगह गए, वहाँ पे स्विच ऑफ किए, गिर ही नहीं रहा है, तो मुश्किल हो जाएगा, क्लियर है क्या। तो इसीलिए दिस शुड बी टेम्पररी मैग्नेट, क्लियर है क्या, क्या होना चाहिए, टेम्पररी मैग्नेट, क्लियर है क्या, क्या होना चाहिए, टेम्पररी। तो अब ये हम लोग को पता है कि आयरन जो है वही मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, कुछ नेचुरली ऑकरिंग है और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब आर्टिफिशियली हम लोग बना रहे हैं करंट वगैरह पास करके, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो सॉफ्ट आयरन है ना और ये जो स्टील है, दोनों मैग्नेट बन जाएगा, दोनों मैग्नेट बन जाए, लेकिन इसमें क्या है कि आप जो है ये इजीली डी मैग्नेटाइज होता है, क्या होता है, और ये एक बार अगर बन गया तो फिर डी मैग्नेटाइज करने में मुश्किल है, ठीक है, ये है डिफिकल्ट टू डी मैग्नेटाइज, समझ में आ रहा है, यस और नो।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ये इजीली हो जाएगा डीमैग्नेटाइज। तो अगर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट में चाहिए तो हमको कौन वाला यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला ना, सॉफ्ट आयरन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम गए, यहाँ पे डीमैग्नेटाइज किए और बेचारा गिर ही नहीं रहा है लोड, अब क्या करेगा बच्चा, ये लेबर वगैरह सब मजदूर वगैरह सब पकड़ के उसको अब करेगा, इतना बड़ा बड़ा हेवी हेवी लोड रहता है, मुश्किल हो जाएगा, क्लियर है क्या? इसीलिए सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। या फिर हम है ना सिंपल वे में, एकदम क्लियर वे में हम लोग लिख सकते हैं, सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर टेम्पररी मैग्नेट्स। कोई दिक्कत है? हाँ, और ये जो है किसमें यूज हो जाएगा, इन मेकिंग, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? नहीं है, बताइए, समझ में, क्लियर है? अब इसको पढ़ते हैं फिर से, कहाँ गया भैया? परमानेंट मैग्नेट, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट, सिंस इट इज नॉट स्ट्रांग एनफ एंड ऑफ रिक्वायर्ड शेप फॉर मेनी पर्पसेस, सो ए स्ट्रांग परमानेंट मैग्नेट इज मेड लाइक एन इलेक्ट्रो मैग्नेट यूजिंग स्टील इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। स्टील यूज कीजिएगा तो क्या बन जाएगा भैया? अ कॉयल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज वाउंड अराउंड द स्टील पीस। अब उसको परमानेंट मैग्नेट बनाते कैसे हैं? इसको परमानेंट मैग्नेट ऐसे बनाते हैं, नहीं शायद इसमें, शायद इसी में, ऐसे बनाते हैं उसको परमानेंट, दिख रहा है क्या? बैटरी लीजिए, बैटरी को वाउंड कीजिए, ठीक है, इसके थ्रू स्टील नेल, स्टील का है ना, ये क्या हो जाएगा, मैग्नेट में तब्दील हो जाएगा, और उसके बाद फिर अगर आप हटा दीजिएगा ना तो भी ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ अच्छा खासा या हल्का सा मैग्नेटिज्म रह जाएगा। क्लियर है क्या ये सब? यहाँ पर भी दिख रहा है, कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब क्या है? ये देखिए, ये जो वायर है जो इसके चारों तरफ लगाए हैं, वायर के ऊपर प्लास्टिक का कोट है, यस और नो? इंसुलेटेड कॉपर वायर, ऐसे में, ठीक है, इंसुलेटेड नहीं रहेगा तो एडी करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब कि क्या है, अगर इंसुलेटेड नहीं है तो यहां से देखिए, इंसुलेटेड है तो क्या हो रहा है, इसके अंदर जो करंट है ऐसे जा रहा है, यस और नो? ऐसे जा रहा है ना करंट, यस और नो? सॉरी, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अगर इंसुलेटेड नहीं है तो पूरा कंडक्टर ही है, तो क्या होगा, ये यहाँ से इधर भी चल जाएगा, इधर भी चल जाएगा, ऊपर भी चल जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, वो रैंडम हो जाएगा, ऐसे में। बट वी वॉन्ट द फ्लो ऑफ करेंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड स्पेशली वी वॉन्ट इन सर्कुलर लूप्स। किसमें चाहिए हमको? सर्कुलर लूप में चाहिए। अगर हम नहीं है सर्कुलर लूप में तो कैसे तैसे भी जा सकता है ना यार करंट, क्लियर है क्या? कुछ भी कंट्रोल हम लोग का नहीं रहेगा, क्लियर है क्या? ये हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, इंसुलेटेड अगर नहीं है, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे तो छोटू सा बैटरी है, अगर बड़ा सा कुछ सोर्स रहेगा डीसी सोर्स तो छूएगा तो करंट लगेगा, है कि नहीं?
आगे बढ़ते हैं। कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज वाउंड अराउंड द स्टील पीस एंड देन करंट इज पास्ड इन द वायर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया गया, करंट जो है इस कॉइल में पास किया गया। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। वंस मैग्नेटाइज्ड इट डज नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज्म इजिली। एक बार जब मैग्नेटाइज हो जाएगा तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर इसका कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है क्या? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज विच टाइप ऑफ मैग्नेट, सो इट बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट। द परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज इन एग्जाम्पल गैलोनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर एंड इन मैग्नेटिक कंपास एट्सेट्रा। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास जो है उसमें परमानेंट है ना, ऐसा तो नहीं कि भैया बैटरी वगैरह लगा करके हम लोग घूमते रहें। क्लियर है क्या? अब जैसे कि कोई जा रहा है ना सी, इसको बंद कीजिएगा, कोई अब जा रहा है ना नेविगेशन में, बोट पे जा रहा है पर कंपास ले करके, है ना, तो जाहिर सा बात है कि ना बैटरी अगर लेके जाएगा थोड़ा देर में तो बैटरी डिस्चार्ज हो ही जाएगा। क्लियर है क्या? सो इट इज, इट शुड बी परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे यूज होता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विथ अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो किससे बनता है? सॉफ्ट आयंस। अच्छा, रिटेंटिविटी का एक हम दिखाएं, एक फोटो दिखाते हैं, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, देख करके डरने का नहीं। लेकिन देखिए ध्यान से, ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिज्म लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो ये क्या हो गया, ये मैग्नेटाइज हो गया। क्लियर है क्या? यहाँ से यहाँ इतना मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है ना, जब हम लोग मैग्नेटिज्म को अपोजिट कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है कि ठीक है, ये नेल हमारा, क्लियर है क्या, इसके ऊपर हम लोगों ने वायर लगा दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब हमने इसमें करंट दिया, जब हमने क्या दिया इसमें,
करंट दिया, लेट अस से इस डायरेक्शन में है ना करंट दिया, है ना, तो क्या हो गया, मैग्नेटिक हो गया, ये मैग्नेट हो गया, यस और नो। अब हम लोगों ने क्या किया, करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, क्या किया, इधर से भेजा, तो अब मैग्नेटिज्म का डायरेक्शन इधर होना चाहिए ना, उल्टा होना चाहिए ना, जो भी फील्ड होगा, क्लियर है क्या। लेकिन क्या होता है कि उल्टा नहीं होता, ठीक है ना, या फिर ऐसा समझिए, या फिर और इजी वे में समझिए कि और इजी वे में अगर समझना है तो ये समझिए, हट जाओ भाई, हट जाइए, हट जाइए भाई, अरे हाँ, और इजी वे में समझिए, जब हमने मैग्नेट हमने ऐसा दिया, करंट दिया, तो कुछ तो आया, मैग्नेटिक फील्ड आया कुछ, क्लियर है क्या, यस और नो, यस और नो, आया, ठीक है, करंट है, जब करंट है, अब मैंने करंट को क्या कर दिया, जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, जब हम करंट दिए तो मैग्नेट हुआ, अब करंट हटा दिए तो मैग्नेट जीरो आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा रह जाता है, थोड़ा सा रह जाता है। अब जो है यही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो है ना यहाँ पे ऐसे था, हमने करंट बढ़ाया, ठीक है, हमने करंट वरेंट बढ़ाया, ठीक है ना, तो ये देखिए क्या हो रहा है, ये ऐसा है ना, थोड़ा सा इसमें रह रहा है मैग्नेटिज्म, करंट जब मैंने जीरो किया तो भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिज्म रह रहा है, ठीक है, ये ऐसे गया, ठीक है ना, मैंने जैसे करंट बढ़ाते गए तो इसका भी मैग्नेटिज्म बढ़ते गया, करंट को जब हम घटाते गए, घटा रहे थे, तो फिर इसका मैग्नेटिज्म कम हो रहा था और जीरो में इतना इसका तब भी रह गए, ऐसा, ठीक है, नहीं भी समझ में तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, स्टील में कितना रह गया, कितना रह गया, और अब इसको जीरो करने के लिए हमको यहां से यहां तक करना पड़ेगा, उल्टा डायरेक्शन में करना पड़ेगा, ये एरिया बहुत ज्यादा है, यस और नो, ये एरिया जो है बहुत ज्यादा है, ये एरिया सॉफ्ट आयरन में क्या है, कम है, इसीलिए सॉफ्ट आयरन को डिमैग्नेटाइज करने में एनर्जी कम खर्च होता है, इस स्टील को बहुत ज्यादा खर्च होता है, आया समझ में, ठीक है। तो अब आ जाइए फिर से वापस कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, यहां पर देखिए एक वर्ड था यूज जो किया हुआ था, सिंस स्टील हैज मोर रिटेंटिविटी देन सॉफ्ट आयरन, आया समझ में, रिटेंटिविटी का मतलब क्या है, जब हम करंट जीरो कर दिए तब भी उसमें मैग्नेटिज्म है, रह गया, रिटेन हो गया, जब हम करंट जीरो किए तब भी उसमें मैग्नेटिज्म रिटेन हो गया, तो किसमें ज्यादा रिटेंटिविटी है, परमानेंट मैग्नेट में, और वो प्रॉपर्टी होता है अलग अलग मटेरियल का, तो स्टील के पास रिटेंटिविटी ज्यादा है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन। अब आ जाइए पढ़िएगा, एक एक करके पढ़िए, एक मिनट, क्लियर है, एक मिनट। अब देखो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, कहाँ गया,
ये था इलेक्ट्रोमैग्नेट, यस और नो? हाँ, इसमें हम करंट दिए, मानिए कि 5 एम्पियर, कितना करंट दिए, तो कुछ इसमें मैग्नेटिज्म हो गया प्रोड्यूस, क्लियर है क्या, है कि नहीं? अब इसका मैग्नेट को हमको अगर बढ़ाना है तो क्या करें बताइए, आ रहा समझ में? ठीक है, यस और नो? एक चीज और कर सकते हैं, पता है, टर्न्स बढ़ा दीजिए, ठीक है, क्लियर है क्या, यस और नो? ठीक है, तो इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, जब नाम ही है टेम्पररी मैग्नेट तो चेंज तो होगा ना, होगा, क्लियर है क्या? इस भैया जी का परमानेंट मैग्नेट जी का ये कैन बी वेरी स्ट्रांग, मतलब ज्यादा करंट दे दो यार, देखिए ध्यान से, इस केस में पता है जब ऐसे करंट है तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा, अब बताइए जब ऐसा हम देंगे तो इधर हो जाएगा साउथ पोल, इधर हो जाएगा, सिंपल, भैया करंट एक तरफ है ना, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो भी है, अब उसको रिवर्स कर दो तो पोलैरिटी भी कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? अच्छा, कैन नॉट बी इजिली डीमैग्नेट, एक्चुअली डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन इजिली नहीं होगा, ठीक है? पढ़िए आप, पढ़िए, क्लियर है? बुक नहीं है, तो बुलाए थे ना, आज 2 से 5 है ना क्लास, जब भी आइए, ठीक है, लेके आइए, दोनों लेके आइए, फिजिक्स बायोलॉजी दोनों लेके आइए, क्लियर है क्या? सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड क्या है? ये यहां पे तो हम लोग स्टील ले लिए हैं, ठीक है ना, यूजुअली जो है सोलेनॉइड में क्या रहता है, सॉफ्ट आयरन यूजुअली, ठीक है, यहां पे हम लोग स्टील, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? देखो एक्चुअली अगर ध्यान से देखो, जितना इधर प्रॉपर्टी है सब लिख दो, है कि नहीं, जितना प्रॉपर्टी है सब लिख दो, प्रोड्यूस मैग्नेट, ठीक है, तो इट कैन बी यूज्ड एज टेम्पररी मैग्नेट, फिर क्या है, इसका स्ट्रेंथ भी हम चेंज कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना ही रख सकते हैं, ठीक है ना, एक खाली रेगुलेटर लगा दो जैसे कि पंखा में लगाते हैं, फिर क्या है, बहुत स्ट्रांग हो सकता है यार, एडवांटेज है, रिवर्स भी कर सकते हैं, है ना, जिधर चाहें उधर कर सकते हैं, क्लियर है, दोनों का लगभग सेम ही चीज़ है ना, यूज पढ़िए, यूज पढ़िए, हाँ, गर्डर्स मतलब पता है क्या,
जब बड़ा बड़ा ब्रिज बनता है, ठीक है, हाँ ब्रिज, एक्चुअली जब ये यहाँ पे बन रहा था कैलकटा में मेट्रो बन रहा था, तो मेट्रो कैलकटा में नीचे है ना, ज़मीन के नीचे है, पहले ऐसा था, अब जो है वो ऊपर भी है, ठीक है, तो एक जगह है जहाँ से नीचे से ऊपर भी जाता है, ठीक है, एनीवे, तो अब जो है ऊपर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ऊपर, तो वहाँ पे हम लोग हम देखे थे कि ऐसा मतलब कि बड़ा बड़ा जो है ना, जो लाइक जो पिलर लगता है, ठीक है, तो एक पिलर ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे एक और पिलर है, और इसके बीच में रन करता है बीम्स, बड़ा बड़ा स्टील का बीम्स है, मोटा मोटा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं गर्डर, और ये जो गर्डर है, गर्डर का शेप मोस्टली जो है ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ये क्या समझ में आ रहा है, मोस्टली गर्डर का शेप जो है ऐसा रहता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे रेल भी जिस पटरी है ना, पटरी, इसका भी शेप लगभग ऐसा है, थोड़ा सा अलग है लेकिन लगभग ऐसा है ना, कुछ ऐसा करके आता है, ठीक है, और नीचे ऐसा रहता है, ठीक है, ये रेल का शेप, सो दिस इज नोन एज गर्डर, और बहुत वेट रहता है इसमें, बहुत ही ज़्यादा वेट, ठीक है, हम लोग का जब घर बन रहा था तो कुछ थोड़ा सा जो है ना, हमको लगता है 4-5 छड़ बच गया है ऊपर में, ठीक है ना, अगर आप चाहें उसको उठाना बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट, क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट होता है, तो व्हाट टू स्पीक ऑफ यू नो ये गर्डर्स वगैरह, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा थिकनेस होता है, इधर थिकनेस जितना है उतना ही वेट होगा ना, ठीक है, तो अब उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको एक जगह से दूसरे जगह रखने के लिए है ना, हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्टिकुलरली व्हेन इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू टेक द हेल्प ऑफ ह्यूमन लेबर, और ह्यूमन लेबर एक्चुअली अगर करेंगे तो बहुत ही रिस्की है, तो दैट्स व्हाई मशीन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं। डिटैच मतलब नीचे गिर जाए, क्लियर है क्या, अटैच मतलब, अटैच मतलब कि लग जाए, डिटैच मतलब कि वो अलग हो जाए, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि एक बहुत ही बड़ा कचड़ा है, ठीक है ना, और वहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे कि मानिए कि एक कोई है ना घर वगैरह, जब हम लोग एक घर जब बन रहा था तो पुराना घर तोड़ा गया था, तो बहुत कचरा है वहाँ पे, और प्लस वहाँ पे जो है आयरन के रॉड्स वगैरह, छड़ वगैरह भी है, जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल है और उसको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे तो छोटा था लेकिन कहीं बड़े बड़े जगह में लाइक द यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या होगा, सारा आयरन चिपक जाएगा, और फिर आप हटा लो, आगे बढ़िए, ऊपर थोड़ा और पढ़िए, वेयर आयरन एग्जिस्ट एज इम्प्योरिटीज, ठीक है ना, एग्जाम्पल फॉर सेपरेटिंग आयरन फ्रॉम द क्रश्ड कॉपर ओर इन द कॉपर माइंस, तो उसमें भी आयरन सेपरेट हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, क्लियर है क्या, वुंड्स, ठीक है, तो कभी कभी जो है ना बुलेट वगैरह भी कभी कभी लगता है तो अंदर चला जाता है, अब
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वगैरह वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। हावेवर जो है कभी कभी जो है ना, लाइक शायद सुने होंगे आप लोग, मॉर्टर सुने हैं? मॉर्टर नहीं सुने होंगे। मॉर्टर क्या होता है, मेरा एक फ्रेंड है, उसके जीजा जी जो हैं वो पोस्टेड हैं BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कश्मीर में, तो वहाँ से जो है उधर साइड से वो लोग मॉर्टर फेंकते हैं। मॉर्टर क्या होता है, एक बड़ा सा ऐसा होता है, और वो जब ब्लास्ट करता है ना तो छोटा छोटा आयरन पीसेस जो है वो चारों तरफ निकलता है, और वो जो है अगर बॉडी में लाइक यू ना अगर लगा तो वो पियर्स करके अंदर चला जाता है, और वो अंदर में कुछ भी है तो वो पॉइजन के तरह ही काम करता है वो, लेकिन अच्छा चीज़ नहीं। ठीक है, सो दैट इज़, अब उस, और वो जब क्योंकि बहुत वेलोसिटी से जाता है, स्पीड से जाता है, तो अच्छा खासा अंदर चला जाता है। ठीक है, अब उसको निकालना वापस, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? इलेक्ट्रो। आगे हाँ, टू स्टडी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस है ना, मैग्नेटिक। सीटी स्कैन सुना है आपने? एक्सरे सुना है? एक्सरे सुना है? सीटी स्कैन सुना है? एमआरआई सुना है? एमआरआई पूरा मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है। ठीक है, सीटी स्कैन जो है वो हाई एनर्जी वाले रेज आते हैं सीटी स्कैन में। सीटी स्कैन एंड एक्सरे इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन एमआरआई में, और एमआरआई में बेटर दिखता है उससे, लेकिन एमआरआई से साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि एमआरआई में हाई एनर्जी रेज नहीं है। आप लोग सुने होंगे कि अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन कॉजेज स्किन कैंसर। कैसे भैया? अच्छा, कैंसर क्या होता है बताएं आपको? मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, और उसमें इतना एनर्जी है उस रे में कि जब रे जब स्किन पे पड़ेगा, स्किन एब्जॉर्ब्स द एनर्जी ऑफ द रेज, और स्किन जो है मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा कर देता है, कैंसर हो गया। क्लियर है क्या? अब जो है सेम टाइप ऑफ रेज आर यूज इन एक्सरे एंड सीटी स्कैन, तो बहुत डेंजरस है। तो ये तो बहुत अच्छा चीज़ है कि वी आर गेटिंग नाउ एमआरआई। एमआरआई इज़ अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये फिफ्थ नंबर। आगे ये सब चीज़ में क्या यूज़ होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होगा। ठीक है, और एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो अभी हम लोग देखेंगे, कौन सा? इलेक्ट्रिक बेल। क्लियर है क्या? एक मिनट अब रुक जाइए।